गाइस आज की वीडियो हाउ टू इंक्रीज योर वेबसाइट सर्च रैंक यूजिंग ऑन पेज एसईओ, मतलब अपने ऑन पेज एसईओ टेक्निक को फॉलो करके आप कैसे सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि मेरी वेबसाइट जो है technicaltricks.xyz हाउ टू बाय एरो वॉइसिंग पे सेकंड रैंक और मेक मोड एंड्रॉयड गेम्स पर भी सेकंड रैंक। सो गाइस ये करके आप अपनी गूगल सर्च पे अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, वो भी ऑन पेज एसईओ टेक्निक को फॉलो करके। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। हाय गाइस दिस इज शिवांश एंड यू वाचिंग टेक्निकल ट्रिक्स। सो गाइस आज की वीडियो ऑन पेज एसईओ के बारे में है। और गाइज मैंने एक पोस्ट क्रिएट कर रखा है अपनी वेबसाइट पे, ये पोस्ट अभी प्रीव्यू पोस्ट है, इट्स मीन इस पोस्ट को पब्लिक नहीं किया गया। जैसे ही ये वीडियो पब्लिश होती है वैसे ही ये पोस्ट भी पब्लिक हो जाएगा। और इस पोस्ट का टाइटल है ऑन पेज एसईओ टेक्निक टू फर्स्ट रैंक इन गूगल सर्च। सो गाइज इस पोस्ट में है कि ऑन पेज एसईओ को टेक्निक को कैसे फॉलो करके हम गूगल सर्च पे रैंक कर सकते हैं। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10 पार्ट्स, तो इस टेक्निक को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है ब्लॉग टाइटल। गाइस ब्लॉग टाइटल को आप अंडर 65 वर्ड रखिए, इट्स मीन आपका जो ब्लॉग टाइटल है वो 65 वर्ड के अंदर रहे। जैसे देखिए ऑन पेज एसईओ टेक्निक टू फर्स्ट रैंक इन सर्च 2018, यहाँ पे मैं इसको अंडर 65 वर्ड लिखा हूँ। तो इस तरह करके आप अपने भी ब्लॉग टाइटल को 65 वर्ड रखिए। और दूसरा है पोस्ट परमालिंग स्ट्रक्चर। तो गाइस पोस्ट परमालिंग स्ट्रक्चर आपके एसईओ का मेन पार्ट होता है। और गाइस मेन पार्ट तो सभी होते हैं पर ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी परमालिंग पे भी अपना टैग डालिए या फिर अपना मेन कीवर्ड डालिए। जैसे मैंने ऑन पेज एसईओ लिख दिया है और गाइस यही इस पोस्ट की लिंक भी है जो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। आप इस पोस्ट को जाइए और रीड करिए और अपने पास सेव भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस टेक्निक को आपको हर एक पोस्ट में फॉलो करना है। और थर्ड ऑप्शन है हेडिंग टैग्स। तो गाइस आपको हेडिंग, सब हेडिंग और मिरर हेडिंग, इस तीनों में आपको टैग्स डालने हैं, अपने कीवर्ड्स को डालने हैं। और वो कीवर्ड्स कितने डालने हैं वो है चौथा ऑप्शन आपको कीवर्ड डेंसिटी का। सो गाइस यू शुड कीप योर कीवर्ड डेंसिटी अराउंड 1.5% एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग LSI कीवर्ड्स। और LSI कीवर्ड्स का मतलब होता है लो सर्च रैंकिंग कीवर्ड्स। गाइस इसका मतलब है कि आप अपने कीवर्ड्स की डेंसिटी 1.5% ही रखिए। आप ऐसा मत करिए कि हर एक लाइन में कीवर्ड घुसेड़ते चले गए और उसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस ना बन पाए। सो गाइस ऐसा यूज करिए कि इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बने। गाइस अब बात करते हैं अपने फिफ्थ ऑप्शन की। फिफ्थ ऑप्शन है मेटा टैग। और मेटा टैग्स आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग और यूनिक रिलेवेंट मेटा टैग डिस्क्रिप्शन तैयार करना चाहिए और उसमें कोई भी स्पैमिंग नहीं करनी चाहिए। आप उसमें टैग स्पैमिंग तो कभी भी ना करें। और गाइस इमेज भी आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने के लिए बहुत ही तगड़ा टूल्स कह सकते हैं या फिर बहुत ही तगड़ा ट्रिक कह सकते हैं। आप अपने इमेज के इमेज टाइटल और अलर्ट टेस्ट के हेल्प से अपने इमेज को रैंक करा सकते हैं अपने गूगल पे, और वहां से आप अपने ऑन पेज एसईओ के टेक्निक पे इमेज को टाइटल और टैग्स रख सकते हैं। गाइस बात करते हैं सेवंथ की। सेवंथ है वर्ड काउंट पर पोस्ट, मतलब आप अपने जो पोस्ट बनाते हैं उस पे 1.5% कीवर्ड डेंसिटी तो यूज करिए। उसके साथ साथ आप अपने पोस्ट को मिनिमम 500 वर्ड्स तक रखिए, जिससे गूगल समझ पाए कि हाँ ये इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर इंफॉर्मेशन है, जिससे वो आपको रैंक करे। एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग। सो गाइस एट्थ ऑप्शन है इंटरनल लिंकिंग। सो गाइस आपने ये देखा होगा रीड मस्ट अप्रूव एडसेंस, तो ये जो है ये इंटरनल लिंकिंग, ये होता है कि आपके ऑडियंस के एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, कि आपका ऑडियंस आपके ही ब्लॉग से पे है बार बार क्लिक कर रहा तो दूसरे पोस्ट पे जा रहा है, इट्स मीन आपके ब्लॉग में अच्छा कंटेंट है। एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है कि आप अपने ब्लॉग को दूसरे के ब्लॉग के साथ लिंक करें, इट्स मीन आप अपने पोस्ट को दूसरे पोस्ट के साथ रिलेट करेंगे तो गूगल सोचेगा कि एक ट्रस्टेड वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट को रैंक कराएगा। अब गाइस बात करते हैं फाइनल और आखिरी जो है राइट एंगेजमेंट कंटेंट।
सो गाइज आप अपना ऐसा कंटेंट रखिए जिससे वो एंगेज्ड हो और आपका व्यूअर पढ़ने के बाद उसे ना लगे कि हाँ इस पर कोई फेक कंटेंट है या फिर गलत कंटेंट है। सो गाइज ये देखिए, मैंने एक एक्सटर्नल लिंकिंग भी दी है, साउथ मी लाउड का भी दिया है ऑन पेज एसईओ टेक्निक। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक हिट कर दीजिए, और आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यहाँ से रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी इनेबल कर दीजिए जिससे आपको मिल सके बेहतरीन टेक्नोलॉजी की वीडियो। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग टेक्निकल ट्रिक्स।